हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज सेल वायबिलिटी एंड सेल साइटोटॉक्सिसिटी। इसके अलावा हम कुछ एसेज, कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो डील करते हैं हाउ टू डिटरमाइन सेल टॉक्सिसिटी या साइटोटॉक्सिसिटी एंड सेल वायबिलिटी। तो कैसे हम इनको डिटरमाइन करते हैं, क्या इनकी यूजफुलनेस है इन इन विट्रो एसेज, तो वो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड। तो फर्स्ट स्लाइड एक इंट्रोडक्टरी स्लाइड है, इसमें आपको आप देखेंगे सेल वायबिलिटी क्या चीज़ है और साइटोटॉक्सिसिटी क्या चीज़ है। ब्रॉडली स्पीकिंग, सेल वायबिलिटी एक कल्चर के अंदर कितने लिविंग सेल्स, कितने हेल्दी सेल्स, कितने ऐसे सेल्स जो डिवाइड कर सकते हैं, उनको हम उस चीज़ को हम बोलेंगे। जैसे सब 100 सेल डाले, उसमें से अगर 80 सेल्स या 90 सेल्स डिवाइड कर सकते हैं और 10 सेल्स डेड हैं, तो हम बोलेंगे इस कल्चर की वायबिलिटी 90% है। उसी तरह से साइटोटॉक्सिसिटी हम या सेल टॉक्सिसिटी हम डिटरमाइन करते हैं किसी चीज़ की, तो कोई चीज़ सेल को कितना मार सकता है। अगर एक चीज़ एक सैंपल पे आपने कोई केमिकल डाला सेल सैंपल पे और 100 सेल में से लेट से 20 सेल्स मर गए, तो हम बोलेंगे कि वो 20% साइटोटॉक्सिसिटी कॉज कर दी उस केमिकल ने। तो दोनों ही टर्म्स ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं। जितने सेल्स आपके लाइव होंगे वो वायबल सेल हैं और जितने परसेंट मर जाएंगे वो साइटोटॉक्सिसिटी कहलाएगी। तो यहाँ पे एक फिगर्स आप देखिए, ये आपके नॉर्मल सेल्स हैं। आप देखिए कैसे अच्छे से मॉर्फोलॉजी अटेन करके ग्रो कर रहे हैं। जब सेल्स मर जाते हैं तो कुछ उनकी मॉर्फोलॉजी में चेंज हो जाती है, वो सेल राउंडेड हो जाते हैं, दे स्टार्ट कमिंग ऑफ, जो आपका सबस्ट्रेटम है वहाँ से उखड़ने लग जाते हैं। तो एक लाइव सेल की पिक्चर है, एक डेड सेल्स जो आपके मर चुके हैं आफ्टर सम ट्रीटमेंट। सो मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, हमारे पास क्या यूज है इन एसेज को करने का, क्यों हम इन एसेज को प्रेफर करते हैं। फर्स्ट, ये चीप है, रिलायबल है, ईजी टू ऑटोमेट। हम बड़े सारे केमिकल्स या ड्रग्स को स्क्रीन करने के लिए इन एसेज का यूज कर सकते हैं। हम कैंसर जो कैंसर है, कैंसरस टिश्यू है, उसके अगेंस्ट किसी केमिकल की, किसी ड्रग की इफेक्टिविटी चेक कर सकते हैं। हम अपने एनिमल्स जो हमारे यूज होते हैं एक्सपेरिमेंट्स का, उनका नंबर कम कर सकते हैं। इनिशियल टेस्ट अगर हम बेस्ड ऑन दीज सेल लाइन सब करते हैं, तो नंबर ऑफ एनिमल्स जो हम यूज करेंगे लेटर ऑन वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। उसके बाद हम बहुत सारे सैंपल्स एक ही बार में हम यूज करके हम इवेलुएट कर सकते हैं इन एसेज को यूज करके। बेसिस इन एसेज का बहुत सारे ऐसे फीचर जो लाइव सेल के फीचर, जैसे सेल परमिएबिलिटी हो गई, आपके एंजाइम एक्टिविटी हो गई, आपकी एटीपी प्रोडक्शन हो गई, ये सब चीज़ें कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं कि कौन कौन सा ऐसे कैसे काम करेगा। उसके बाद आप इसको ऑटोमेट इजिली कर सकते हो आगे, क्योंकि इसमें ह्यूमन एरर आ सकता है कभी, तो आप इसको इजिली ऑटोमेट करके रोबोट्स की मदद से आप इस ऐसे को कम से कम इसमें जो मिस्टेक्स हैं, जो उसमें एरर्स हैं, वो कम कर सकते हो। मूविंग ऑन, तो हम जो हमारे एसेज हैं साइटोटॉक्सिक एसेज या सेल वायबिलिटी एसेज, जो ऐसे एसेज जो कैलकुलेट करते हैं साइटोटॉक्सिसिटी या सेल वायबिलिटी को, चार ब्रॉड कैटेगरीज हैं। देखिए, फर्स्ट इज द डाई एक्सक्लूजन मेथड। डाई एक्सक्लूजन मेथड इज बेस्ड ऑन यूज ऑफ वेरियस डाइज, ट्राइपन ब्लू, योसिन, कॉन्गो रेड, एरिथ्रोसिन बी, ये सारे एसेज इन डाइज, ये एसेज जो है जितने भी डाइज का यूज करते हैं, इनमें से कोई एक डाई लेके आप डिटरमाइन कर सकते हो कि कौन सा सेल लिविंग है, कौन सा सेल जो है डेड है, या वायबल सेल्स एंड नॉन वायबल सेल्स में से। देन देर आर सम एसेज बेस्ड ऑन कलर, तो कलर जो है, कलर किसी कलर का बनना बेस्ड ऑन अ रिएक्शन, आप उसको यूज करके उस कलर को एस्टिमेट करके आप बता सकते हो कितने परसेंट सेल्स लाइव हैं और कितने परसेंट सेल्स डेड हैं। उसी तरह आपके पास देन कम्स फ्लोरीमेट्रिक एसेज। फ्लोरीमेट्रिक एसेज में देर इज द प्रोडक्शन ऑफ फ्लोरिसेंस, आपका एमिशन होगा फ्लोरिसेंस का, उसको आप क्वांटिफाई करेंगे फ्लोरिसेंस को, तो आप बता सकते हैं परसेंटेज ऑफ वायबल सेल्स। इसी तरह ल्यूमिनोमेट्रिक एसेज, ये आपको बता सकता है ऑन द बेसिस ऑफ ल्यूमिनिसेंस कि कितनी परसेंट साइटोटॉक्सिसिटी कोई कंपाउंड कॉज कर रहा है और कल्चर में आफ्टर ट्रीटमेंट कितने लाइव सेल्स या कितने वायबल सेल्स बचे हैं। तो एक एक करके हम इनको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे इन एसेज के बारे में, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। सो फर्स्ट एसे हमारा डाई एक्सक्लूजन मेथड, डाई एक्सक्लूजन एसे। सो डाई एक्सक्लूजन एसेज का बेसिस क्या है कि जो वायबल सेल्स हैं वो डाइज को एक्सक्लूड कर देते हैं, वो डाई को अंदर नहीं लेते, दे डू नॉट अलाउ द डाई टू एंटर। सेकेंडली, जो डेड सेल्स होंगे वो डाई उनके अंदर चली जाएगी। इसका बेसिस क्या है कि जो आपकी मेम्ब्रेन परमिबिलिटी है लाइव सेल्स के अंदर इंटैक्ट होती है और डेड सेल्स जो है फुली परमिएबल बन चुके होते हैं, तो वहां पे अंदर कुछ भी जा सकता है। तो इसकी इस ऐसे में आप कोई भी डाई, जैसे मैंने नाम बताया आपको, ट्राइपन ब्लू है, इओसिन है, या कॉन्गो रेड है, वो सभी डाइज क्या करेंगे, आप सेल्स को इसका एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि आपके सेल्स जो है सस्पेंशन फॉर्म में होने चाहिए, तो
सस्पेंशन कल्चर्स के लिए तो दिस इज परफेक्ट और दिस इज फाइन, लेकिन जब आपके एडहेरेंट कल्चर्स होते हैं उनको इस मेथड से पता लगाने के लिए कि डाई जो है सेल्स लाइव है या वाइबल है या नहीं, उनको पहले आपको ट्रिप्सनाइज करना पड़ता है, उसको सस्पेंशन में लाना पड़ता है, उसके बाद ही आप उन पर डाई डाल सकते हो। और एक और ड्रॉबैक जो है, एक जिस सैंपल में आपने डाई डाल दी है वो आप वापस से कल्चर नहीं कर पाओगे, वो सेल्स लॉस हो गए आपके, जितने अपना जो आपने सैंपल लिया टेस्टिंग के लिए, परसेंटेज टेस्टिंग के लिए कि कितने हमारे सेल्स वाइबल हैं और कितना साइटोटॉक्सिसिटी कॉज हुई है, तो वो सेल्स आपके फिर दोबारा से यूज़ नहीं हो पाएंगे। और ये डाइज बड़ी सारी कई बार आप ट्रीट करते हो सेल्स को इनके साथ, तो ये टॉक्सिक होती है टू मेमेलियन सेल्स। तो ये एक ड्रॉबैक्स हैं कुछ इस मेथड के, बड़ा सा क्रूड सा मेथड है, आपको बस सेल सस्पेंशन चाहिए, उसमें आपने डाई डालनी है, जो आपके डाई वाले सेल्स होंगे, जो आपके लाइव सेल्स होंगे वो आपको ब्राइट और वाइट कलर दिखेंगे, और जो आपके डेड सेल्स होंगे, जैसे ट्राइपन ब्लू की एग्जाम्पल है, डेड सेल्स आपको ब्लूइश दिखेंगे और आपको जो लाइव सेल्स हैं वो आपको ब्राइट ब्राइट फॉर्म में दिखेंगे, ब्लू नहीं दिखेंगे वो। तो डाई एक्सक्लूजन इज द फर्स्ट मेथड, जिसमें बेसिस है मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, और इसमें जो लाइव सेल्स हैं वो डाई नहीं लेंगे और जो डेड सेल्स हैं दे विल टेक अप द डाई, एंड हैंस लाइव सेल्स एक्सक्लूड द डाई, एंड हैंस द मेथड इज नोन एज द डाई एक्सक्लूजन मेथड। सेकेंड मेथड एज यू सी इज द कैलोरीमेट्रिक एसे। कैलोरीमेट्रिक एसे एज अ नेम इट इज बेस्ड ऑन कलर। सो व्हाट हैपन्स, आप इस केस में जो लिविंग सेल्स के किसी एंजाइम को यूज करते हो, या लिविंग सेल, कोई सेल लिविंग है तो वो सारे एंजाइम्स मेटाबॉलिक एंजाइम बना रहा होता है, आपने एक सब्सट्रेट डालना है जो किसी एक पर्टिकुलर एंजाइम, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एमटीटी एसे की बात करेंगे, तो यहाँ पे जो सब्सट्रेट है वो आप एमटीटी दे रहे हो, एंजाइम जो यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल डिहाइड्रोजनेज। होगा क्या, जब आपके सेल्स ग्रोइंग फेज में होंगे, अब आपने डाई डाल दिया उसके अंदर, जब आपने डाई या व्हाटएवर इट इज दिस सब्सट्रेट आपने डाल दिया, जब सब्सट्रेट आपने डाल दिया वो एंजाइम के साथ सब्सट्रेट एंजाइम आपस में रिएक्ट करेंगे और एक प्रोडक्ट बनाएंगे। इस केस में एमटीटी एसे, इसका पूरा नाम अब ये देखिए, डाई मिथाइल थायाजोल 2,5 डाई फिनाइल टेट्राजोलियम ब्रोमाइड, ये इसका फुल फॉर्म है, एमटीटी शॉर्ट में कहते हैं इसको। एमटीटी जो आपका कंपाउंड है, व्हेन आप इसको डालते हैं किसी लिविंग सेल के अंदर, ये लिविंग सेल के इस एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल डिहाइड्रोजनेज को यूज करता है, एंड इट फॉर्म्स ए प्रोडक्ट नोन एज फॉर्मेजोन। अब फॉर्मेजोन जो है इट इज पर्पल इन कलर, सो व्हाट इज हैपनिंग, ये ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम जो या डिहाइड्रोजनेज कह लीजिए इसको, एक ही बात है, एनएडीपीएच डिपेंडेंट जो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, जब ये इस येलो टेट्राजोलियम डाई के साथ, टेट्राजोलियम डाई के साथ रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म्स फॉर्मेजोन, और फॉर्मेजोन आपका पर्पल कलर का होता है। तो जो अमाउंट ऑफ पर्पल कलर, जितने ज्यादा सेल्स लाइव होंगे उतना ज्यादा एंजाइम बनेगा आपका, और जितना ज्यादा एंजाइम होगा उतना ज्यादा आपका पर्पल कलर आएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ कि कितना इंटेंस पर्पल कलर है, आप एक कंट्रोल वेल यहाँ पे यूज करते हैं, एक कंट्रोल सैंपल यूज करते हैं जिसमें सारे सेल्स लिविंग होते हैं, और एक ब्लैंक यूज करते हैं जिसमें कोई भी सेल ही नहीं होता। तो एक ब्लैंक आप यूज करेंगे, एक आप कंट्रोल यूज करेंगे जिसमें सारे सेल लिविंग होंगे, उस दोनों के बेसिस के ऊपर आपके सैंपल में कितनी इंटेंसिटी आती है कलर की, उसकी मदद से उस कलर की इंटेंसिटी को आप एक कैलोरीमीटर से जाके आप आइडेंटिफाई, उसको आप कह सकते हो, उसको आप डिटरमाइन कर सकते हो उस इंटेंसिटी को, और आप बता सकते हो कि आपके सैंपल में विद रिस्पेक्ट टू कंट्रोल कितने परसेंट सेल वायबल हैं, क्या इक्वल नंबर ऑफ सेल्स वायबल हैं या कुछ सेल्स मर गए। इन अदर टर्म्स इसको आप ये भी कह सकते हो कि एक सैंपल बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट, एक अनट्रीटेड सैंपल और एक ट्रीटेड सैंपल, ट्रीट आप करें किसी केमिकल के साथ, सेल्स आपने सीड किए, 5 वेल्स आपने यूज कर लिए, 4 में आपने केमिकल से ट्रीटमेंट दी, 1 में नहीं दी, आफ्टर 24 आवर्स आपने उनको इवेलुएट किया, तो आप देखेंगे कि एक सेल जिसमें ट्रीटमेंट नहीं की हमने उसमें कितने सेल्स लिविंग है, और 4 सेल जिसमें कोई केमिकल डाला आपने उसमें कितने सेल्स जो हैं लिविंग है। तो इसमें आप दो चीजें बता सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट के बाद, परसेंटेज वायबिलिटी, और दूसरी चीज आप बता सकते हैं परसेंटेज साइटोटॉक्सिसिटी। तो साइटोटॉक्सिसिटी भी आपको पता चल जाएगी कि कितने परसेंट सेल मर गए और कितने परसेंट सेल लाइव बचे, तो आपको सेल वायबिलिटी भी इससे जो है आप इसे डिटरमाइन कर सकते हैं इस ऐसे से। तो दिस इज अबाउट कैलोरीमेट्रिक ऐसे, इसमें कलर डेवलप होता है और उस कलर को मेजर करने के लिए यू नीड ए कैलोरीमीटर और ए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो उनकी मदद से आप एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के ऊपर आप उस कलर को रीड करेंगे, एंड देन यू कैन
इजिली से कि कितने परसेंट आपकी वायबिलिटी या कितने परसेंट आपकी साइटोटॉक्सिसिटी आई है. मूविंग ऑन टू द थर्ड एसे, दैट इज योर फ्लोरीमेट्रिक एसे. तो फ्लोरीमेट्रिक एसे एज यू सी इट इज बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरिसेंस. इस एसे में फ्लोरिसेंस बनती है. जब फ्लोरिसेंस बनेगी तो उस फ्लोरिसेंस को कैसे आपने मेजर करना है, फ्लोरोमीटर या फ्लोरिसेंस माइक्रोस्कोप या फ्लोरिसेंस माइक्रोप्लेट रीडर. तो आपको एक इसमें भी एक प्लेट रीडर चाहिए या फ्लोरोमीटर चाहिए जो फ्लोरिसेंस को रीड कर सके. इसमें आप यूज करते हैं एक प्रोटीएजेस का. इट इज अगेन द एसे इज अगेन बेस्ड ऑन द एंजाइम, स्पेसिफिक एंजाइम प्रोटीएजेस जो आपके लिविंग सेल्स यूज करते हैं. सबस्ट्रेट आपका ये GFAFC ग्लिसाइल फिनाइल एलानाइल अमीनो फ्लोरोक्यूमरिन. ये आप सबस्ट्रेट यूज करते हैं, सेल्स पे डालते हैं. अगर तो सेल लिविंग होगा तो उसके प्रोटीएजेस इस सबस्ट्रेट को यूज करेंगे और फ्लोरिसेंस देंगे. अगर तो सेल डेड होगा, देर इज नो फ्लोरिसेंस. तो कितनी फ्लोरिसेंस आ रही है, कितनी फ्लोरिसेंस नहीं आ रही, इसके बेसिस के ऊपर आप बता सकते हो कि सेल जो है लिविंग है या डेड है. तो इट्स ए वेरी, प्रोटीएजेस काफी कंजर्वड होते हैं और कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस होते हैं. तो इस मार्कर को यूज करके आप अच्छे से बता सकते हो कि सेल जो है वो वायबल है या डेड है. तो दिस इज फ्लोरीमेट्रिक एसे. वहां पे कलर आया कैलोरीमेट्रिक, तो कलर की इंटेंसिटी नापनी है. यहाँ पे फ्लोरिसेंस की इंटेंसिटी आपने देखनी है. और लास्ट थोड़ा मिलता जुलता ही है, दैट इज ल्यूमिनोमेट्रिक. इसमें आप ल्यूमिनेसेंस देखते हैं. सिंपल सा रिएक्शन इसमें होती है, कन्वर्जन ऑफ आपकी ल्यूसिफ्रिन टू ऑक्सील्यूसिफ्रिन. इसमें आपका जो सिंपल सा रिएक्शन इन्वॉल्व ये है कि ल्यूसिफ्रिन जो है ऑक्सील्यूसिफ्रिन में कन्वर्ट हो रहा है. ये रिएक्शन को कैटलाइज करता है एटीपी, और एटीपी होगा प्रेजेंट सिर्फ लाइव सेल्स के अंदर. तो आप क्या करेंगे, आप एक एंजाइम लेते हैं ल्यूसिफ्रेज, वो डालते हैं इसके अंदर. अगर तो और सब्सट्रेट देते हैं ऑक्सील्यूसिफ्रिन. अगर तो ल्यूसिफ्रिन ऑक्सील्यूसिफ्रिन में कन्वर्ट हो रहा है तो इट विल गिव दिस एच न्यू, इट विल गिव ल्यूमिनेसेंस, लाइट सिग्नल देगा ये. अगर लाइट सिग्नल्स आ रहे हैं मींस जो है एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है. अगर एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है तो मींस सेल लिविंग है. तो ये आप कोरिलेट करते हैं कि एटीपी प्रोडक्शन इज ए मार्कर फॉर लिविंग सेल्स. ओनली लिविंग सेल्स विल प्रोड्यूस एटीपी. इफ द सेल्स आर डेड दे विल नॉट फॉर्म एटीपी. व्हेन एटीपी प्रोडक्शन इज देयर, इट कैन कन्वर्ट ल्यूसिफ्रिन टू ऑक्सील्यूसिफ्रिन बाय यूजिंग ल्यूसिफ्रेज एंजाइम. तो ये आप ऐसे डिवाइस कर सकते हैं. इसके बाद जो लाइट सिग्नल्स आएंगे, जो ल्यूमिनेसेंस आएगी, उस ल्यूमिनेसेंस को आपने मेजर करना है बाय हेल्प ऑफ ए ल्यूमिनोमीटर. तो ल्यूमिनोमीटर की मदद से आपने वो मेजर करना है. उसको मेजर करके अगेन उसको आप जब उसको इवेल्युएट करेंगे, आप बता सकते हैं कि कितने परसेंट सेल्स एक गिवन सैंपल में लाइव है और कितने परसेंट सेल्स एक गिवन सैंपल में डेड है. तो ये दोनों ही जो एस्पेक्ट्स हैं, सेल वायबिलिटी और साइटोटॉक्सिसिटी, ये दोनों ही कवर होते हैं विद दीज फोर मेंशनड टेक्निक्स. हाँ, हालांकि एसेज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बेसिस यही होगा. दे विल बी बेस्ड ऑन ल्यूमिनेसेंस, दे विल बी बेस्ड ऑन फ्लोरिसेंस, दे विल बी बेस्ड ऑन कलर, और दे कैन बी डाई एक्सक्लूजन मेथड्स. तो ये चार बेसिक मेथड्स हैं जो आप साइटोटॉक्सिसिटी और साइटो सेल वायबिलिटी को मेजर करने के लिए काम में लाते हैं. सो आई होप थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव आपके लिए रहा हो. ये नया कंसेप्ट है सेल टॉक्सिसिटी और सेल वायबिलिटी. एक लास्ट में एक चीज आपको बताना चाहूंगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो सेल वायबिलिटी और सेल साइटोटॉक्सिसिटी है, ये एक ही एस्पेक्ट है. और जब एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो हमारा एम ये होता है कि अगर हमने एक बंच ऑफ सेल्स, फॉर एग्जांपल 1000 सेल्स मैंने ले लिए, उसको मैंने किसी केमिकल से ट्रीट कर दिया, तो मैं अगर एक लेट से 6 वेल प्लेट में एक्सपेरिमेंट लगाता हूँ, 6 वेल प्लेट के अंदर, तो एक वेल मेरा हमेशा ऐसा रहेगा जिसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी, जिसमें कोई केमिकल नहीं जाएगा. उस वेल को मैं कंट्रोल वेल कहूंगा, वो मेरा एक रेफरेंस वेल काम करेगा मेरे सारे एसेज के लिए. ओके, बाकी जो 5 वेल्स हैं उसमें आपने डिफरेंट केमिकल्स डाले, उनसे ट्रीटमेंट की, और फिर से 24 आवर्स या 48 आवर्स या 72 आवर्स जो भी आपका टाइम पीरियड होगा इवेल्युएशन का, उसके बाद आप चेक करेंगे कि जिस वेल में आपने कोई केमिकल नहीं डाला उसमें कितने सेल्स मरे, या उसमें सेल्स मरे या नहीं मरे, और जिनमें आपने केमिकल्स डाला उसमें सेल कितने मरे या कितने सेल्स बच गए या कितने सेल्स मर गए. तो ये दो आप कंपैरिजन करके आप डिटरमाइन कर सकते हो सेल वायबिलिटी आफ्टर से 48 आवर्स, और जो आपने कंपाउंड्स डाले उन कंपाउंड्स की साइटोटॉक्सिसिटी. कंपाउंड सपोज आपने 5 डाले, 1, 2, 3, 4, 5, क्या कंपाउंड 1 ज्यादा साइटोटॉक्सिक है, 2 ज्यादा साइटोटॉक्सिक है, 3 है, 4 है, तो आप ये बता सकते हैं कि आउट ऑफ 5 कंपाउंड्स कौन सा ज्यादा साइटोटॉक्सिक है और कितना साइटोटॉक्सिक है,
कितनी परसेंट सेल्स मार दिए उसने और कितने परसेंट सेल्स बच गए, ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपको एट द एंड ऑफ द एसे, चाहे वो एसे किसी पे भी बेस्ड हो, बेस्ड ऑन द कलर, बेस्ड ऑन डाई, बेस्ड ऑन फ्लोरिसेंस और बेस्ड ऑन ल्यूमिनेसेंस, आप एट द एंड दोनों पैरामीटर्स बता सकते हैं कि इतने परसेंट सेल्स आपके वायबल बच गए और उस कंपाउंड ने, से कंपाउंड ए वन टू थ्री और फाइव, इस कंपाउंड ने इतने परसेंट सेल्स को मार दिया, इसका मतलब है ये कंपाउंड इतना साइटोटॉक्सिक है। तो दिस वॉज ए ब्रीफ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ये दोनों कंसेप्ट, साइटोटॉक्सिसिटी और सेल वायबिलिटी। आई होप आपके लिए थोड़ा ये इन्फॉर्मेटिव रहा हो और थोड़ा सा आपको जब आप इसके बारे में लिटरेचर पढ़ें तो आपके आपको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा ईजी हो जाइए। थैंक यू सो मच।